Hi friends, welcome back. So, definite integral chapter exercise 7.11. In the previous class, we have completed up to problem number 1 to 10. Okay. Now, today's session, today we are going to learn that is 11th problem given here minus pi by 2 pi by minus pi by 2 integral upper limit pi by 2 sine square x dx. So, see here this problem to solve whenever upper limit lower limit are same difference with minus then we have to use a property that properties that is property number 7 minus a to a f of x dx equal to 2 into integral 0 to a f of x dx if f of x in even function then we have condition is f of minus x equal to f of x if we have the odd function then answer is 0 so we will continue property number 7 okay so question is given here that is first of all we write the property for this question minus a to a f of x dx equal to we have that is 2 into 0 to a f of x dx condition is f of minus x equal to f of x or you can say f of x is an even function okay one more जीरो इफ यू गेट एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू माइनस एफ ऑफ एक्स सो इफ इट इज एन आर्ड फंक्शन इफ इट इज एन आर्ड फंक्शन कंडीशन दैट इज एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू क्या आता है माइनस एफ ऑफ एक्स तो माइनस ए टू ए एफ ऑफ एक्स जी एस का सोल्यूशन क्या That this condition is f of minus x equal to f of x. This is even function and second one is the odd function. So, फंक्शन सो एलेवें टाइप में है इंटीगल माइनस पाई टू पाई बाई टू साइन स्क्वा डी एक्स है तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको चेक करेंगे इवेंट फंक्शन है कि आउट फंक्शन है तो इसको इवेंट फंक्शन सपोज एफ ऑफ एक्स एफ ऑफ एक्स इक्वल टू साइन स्क्वायर x then substitute in the x minus x how you got the minus x a we have the one more properties a to b f of x dx you have you can write a to b that is f of a plus b minus x dx so you will get it same a to b f of x f of minus x dx okay so same will apply in the place of x as a minus f of x that is sine square of minus x so you know power is 2 so we will get it as a sine square x only that is equal to f of x तो हम लोग क्या कैन से एफ ऑफ एक्स इज एन इवन फंक्शन क्या बोल सकते हैं हम लोग इवन फंक्शन इवन फंक्शन ठीक है तो इवन फंक्शन तो आता है तो हमारा प्रॉपर्टी हो जाएगा यहाँ पे क्वेश्चन यू कैन राइट दैट इज टू जीरो टू फाइव बाई टू साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स ठीक है ऑलरेडी हम लोग प्रॉब्लम साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर का कर चुके हैं तो सेम प्रोसेस में कर सकते हैं और यू हैव साइन स्क्वायर एक्स अंक कन्वर्ट कर सकते हैं वन माइनस कॉस टू एक्स बाई टू में कन्वर्ट कर सकते हैं ठीक है स्टूडेंट्स तो कन्वर्ट कर लेते हैं यहाँ पे तो टू इंटू इंटीग्रज इट इज रहेगा जीरो टू फाइव बाई टू साइन स्क्वायर को हम लोग क्या ले सकते हैं वन माइनस कॉस टू एक्स बाई टू इंटू डी एक्स यहाँ देखो टू और ये टू कैंसल हो जाएगा तो बच गया हम हमारे पास जीरो टू फाइव बाई टू वन माइनस कॉस टू एक्स डी इसका इंटीग्रेशन पता है हमारे पास एट इज वन इंटीग्रेशन एक्स कॉस इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा साइन एक्स तो साइन टू एक्स एक्स को ऑप्शन क्या है पे टू ये हो जाएगा हमारे पास डिनोमेटर में ठीक है लोअर लिमिट जीरो हो गया अपर लिमिट पाइव बाई टू तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर लेंगे हम लोग तो अपर लिमिट क्या है पाइव बाई टू फाइव बाई टू माइनस वन बाई टू इंटू साइन टू इंटू फाइव बाई टू अपर लिमिट हो गया माइनस लोअर लिमिट करना है जीरो माइनस वन बाई टू इंटू साइन टू इंटू जीरो ठीक है अब देखो स्टूडेंट्स ए साइन टू इंटू जीरो जीरो साइन जीरो जीरो तो होल टर्म क्या हो जाएगा जीरो लेफ्ट पार्ट हमारे पास क्या है फाइव बाई टू माइनस वन बाई टू और साइन टू टू कैंसल इट गेट जस्ट फाइव

फाइव बाई टू आंसर है ये कब अप्लाई करेंगे जब देख लेना है लोअर लिमिट अपर लिमिट सेम रहेगा डिफरेंस क्या होगा माइनस है तो इवन फंक्शन आता है तो टू इंटू जीरो टू एफ और फंक्शन आ गया तो डायरेक्ट उसका आंसर क्या हो जाएगा जीरो हो जाता है ठीक है यह हो हमारा एलेवें अब आ जाते हैं ट्वेल्थ प्रॉब्लम ट्वेल्थ प्रॉब्लम क्या है स्टूडेंट्स यहाँ पे ये भी सिंपल है इंपॉर्टेंट है जीरो टू पाई एक्स डी एक्स बाई वन प्लस साइन एक्स तो जो प्रॉपर्टी यूज़ करना है वो प्रॉपर्टी होता है हम फर्स्ट प्रॉब्लम किए थे जीरो टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स इक्वल टू जीरो टू ए एफ ऑफ ए माइनस एक्स करना है ए माइनस एक्स इन टू डी एक्स होता है तो ये प्रॉपर्टी का यूज़ करना है यहाँ पे तो इसको आई सपोज कर लेंगे आई इक्ल टू जीरोपोज कर सकते हैं तो देंगे जीरो टू पाई एक्स के जगह पे पाई माइनस एक्स इंटू डी एक्स हो गया बाई वन प्लस साइन एक्स के जगह पे पाई एक्स। अब यहां पे टनोमेंट्री आइडेंटिटी यूज करना है ये तो सेम हो जाएगा पाई माइनस एक्स इंटू डी यहाँ क्या होता है साइन वन एटी माइनस आल्फा सपोज कर लेते हैं तो ऑल सिल्वर टी कप में ऑल सिल्वर टी कप ये टिक्नोमेंट्री आइडेंटिटी फंक्शन में हमने किए हैं

आई इक्ल टू जीरो माइनस एक्स डी एक्स बाई वन प्लस साइन एक्स ठीक है इसको आई सपोज कि इक्वेशन नंबर वन दे देंगे और सबक्यूटिंग करने के बाद में प्रॉपर्ट यूज करने के बाद में जो आंसर आता है इक्वेशन टू कर देंगे तो क्या करेंगे एडिंग इक्वेशन वन एंड टू एडिंग क्या करेंगे ऐड कर लेंगे एडिंग इक्वेशंस वन प्लस टू वन प्लस टू या वन एंड टू तो लेफ्ट हैंड साइड आई प्लस आई हो जाएगा राइट हैंड साइड देखो डाइट भी कर सकते हैं जीरो टू पाई यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन एक्स डी एक्स बाई वन प्लस साइन एक्स प्लस जीरो टू क्या है पाई यहाँ क्या है पाई माइनस एक्स इंटू डी एक्स बाई वन प्लस साइन एक्स देखो यहाँ लिमिट सेम है जीरो टू पाई इंटीग्रल लोअर लिमिट अपर लिमिट और पाई माइनस एक्स और डी एक्स सेम है हम एक बार कॉमन ले लेंगे इसमें हम कॉमन ले लेते हैं इसमें से ठीक है तो ये हो जाएगा हमारे पास गेट इट टू आई कितना हमारे पास से टू आई हो जाएगा टू आई इक्वल टू जीरो टू पाई डिनोमिनेटर सेम है वन प्लस साइन एक्स ये हो जाएगा एक्स प्लस पाई माइनस एक्स इंटू डी एक्स ठीक है अब इसको हम लोग सिंप्लीफाई कर लेंगे तो माइनस एक्स प्लस एक्स कैंसिल हो जाएगा हमारे पास जो आंसर आएगा टू आई इक्वल टू पाई आउटसाइड साइड लिख सकते हैं पाई ज़ीरो टू पाई वन बाई वन प्लस साइन एक्स डियर स्टूडेंट्स देखो यहाँ पे ऑलरेडी हम लोग विदाउट लिमिट्स ए प्रॉब्लम कर चुके हैं यहाँ पे क्या है विध लिमिट्स अपर लिमिट्स और लोअर लिमिट्स तो अब क्या करेंगे हैव मेनी मेथड्स मेथड्स टू थ्री आर जस्ट सिंप्लीफिकेशन कन्वीनियंस परपज क्या करेंगे इसको रैशनलाइजिंग कर देते हैं ये जाएगा हमारे पास आई इक्वल टू पाई बाई टू हो गया ठीक है रैशनलाइजिंग करेंगे हम लोग जीरो टू पाई वन प्लस साइन एक्स एज इट इज रैशलाइजिंग करते हैं कितना जाएगा वन माइनस साइन एक्स बाई वन माइनस साइन एक्स ठीक है तो न्योमीटर में इंटू करेंगे तो सेम एज इट्स आ जाएगा जीरो टू पाई दट इज वन माइनस साइन एक्स ओके डिमीटर में क्या हो गया ए प्लस बी इंटू ए माइनस बीट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वा सो वन स्क्वायर वन माइनस साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स हमारे पास आइडेंटिटी होता है साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा इक्वल टू वन सो यू कैन राइट साइन वन माइनस साइन इक्वल टू कॉस स्क्वायर अल्फा सो यर इन टर्म्स ऑफ एक्स सो यू कैन राइट जीरो टू पाई एज इट इज वन माइनस साइन एक्स एज इट इज यह लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर एक्स देखो यहाँ पे टू टर्म्स है टू टर्म्स को हम लोगों कन्वर्ट कर लिए सिंगल टर्प में आप क्या करेंगे हमको स्प्लिट कर लेंगे पाई बाई टू एज इट इज जीरो टू पाई एज इट इज वन बाई ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स ये हो जाएगा हमारे पास साइन एक्स बाई कॉस स्क्वायर एक्स होल डी एक्स देखो स्टूडेंट्स यहाँ पे और सिंप्लीफाई करने के लिए पाई बाई टू एज इट इज़ हो जाएगा जीरो टू पाई एज इट इज वन बाई कॉस रेसिप्रोकल किसका होता है सेक का सेक स्क्वास हो गया यहाँ देखो एक साइन इसको स्क्वायर कॉस स्क्वायर है ना तो इसको हम लोग कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स लिख लेंगे तो साइन बाई कॉस क्या हो जाएगा टेन एक्स हो जाएगा और एक कॉस रिमेनिंग हो जाएगा वो हो जाएगा हमारे पास वन बाई कॉस रेसिपोल किसका होता है सेक एक्स का ठीक है अब यहाँ पे हम लोग इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन कर ले समझ में आया कॉस स्क्र टूटा ले तो कॉस एक्स कॉस एक्स साइन बाई कॉस टेन एक्स और एक कॉस डिनोमीटर में वन बाई कॉस क्या हो जाएगा सेक एक्स तो हो, हो जाएगा ठीक है तो यहाँ पर होगा हमारे पास फाइव बाई टू एज एट एक्स हो जाएगा इंटीग्रेशन सेक को पता है टेन एक्स होता है और सेक एक्स इंटू टेन एक्स का सेक एक्स होता है ठीक है स्टूडेंट्स और लोअर लिमिट जीरो अपर लिमिट क्या है फाइव अब सब कर देना है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट अपर लिमिट पाई है, टेन पाई माइनस सेक पाई अपर लिमिट हो गया माइनस लोअर लिमिट टेन जीरो माइनस सेक जीरो करना है इसको सिंपलीफाई करना है पता है टेन पाई मीन्स वन एटीटी वैल्यू इज ऑलवेज जीरो माइनस वन सो यू कैन राइट माइनस वन यह हो गया यहाँ पे टेन जीरो 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 सो सो यू गॉट इट कितना आ गया हमारे पास ए वन हो गया और ए बी वन हो गया सो टोटल यू विल गॉट पाइव बाई टू इन टू ठीक है टू टू कैंसिल हो गया तो हमारा आंसर क्या आ गया हमारे पास पाई आ गया क्या आ गया पाई सो आवर आंसर इज क्वेश्चन क्या था हमारे पास जीरो टू पाई एक्स डी एक्स बाई वन प्लस साइन एक्स इंटीगलिस पाई सो बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन ठीक है ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व हो गया अब क्वेश्चन लोग थर्टीन कर लेते हैं थर्टीन क्वेश्चन और हमारे पास इलेवेंथ क्वेश्चन सेम है तो माइनस पाई बाई टू और ये हो गया पाई बाई टू साइन स्क्वेर एक्स डी एक्स हमें प्रॉपर्टी यूज कब करेंगे पता है ना ये प्रॉपर्टी का यूज करना है यहाँ पे माइनस ए टू एफ ऑफ एक्स डी सो इवन फंक्शन आएगा तो टू इंटू जीरो टू एफ ऑफ एक्स डी एक्स फंक्शन आएगा तो इसका जीरो एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू माइनस ऑफ एफ ऑफ एक्स तो सेम प्रोसेस को सपोज कर लेते हैं एफ ऑफ तो माइनस साइन स्क्वेयर ऑफ माइनस एक्स सो सॉरी पावर क्या है यहाँ पे पावर इज सेवन पावर सेवन है यहाँ पर भी क्या है पावर सेवन सो हार्ड नंबर है तो इससे क्या हो जाएगा हमारे पास एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू माइनस ऑफ साइन पावर ऑफ सेवन एक्स होता है हो गया सो दैट इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स सो एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू माइनस एफ ऑफ एक्स सो विच फंक्शन स्टूडेंट से कौन सा फंक्शन हो गया है आर्ट फंक्शन हो गया है एफ ऑफ एक्स इज एन आट फंक्शन सो वेन हैव द आर्ट फंक्शन वॉट इज द आंसर जीरो सो यू कैन राइट देरफॉर माइनस पाई बाई टू पाई बाई टू साइन पावर ऑफ सेवन एक्स डी एक्स आंसर इज जीरो माइनस इंटरवल सेम रहेगा डिफरेंस माइनस चेक फंक्शन और आर्ट फंक्शन ठीक है ये हो गया हमारा थर्टीन क्वेश्चन हो गया ठीक है स्टूडेंट्स अब आ जाते हैं हम लोग फोर्टीन क्वेश्चन के पास फोर्टीन क्वेश्चन क्या है यहाँ पे दैट इज फोर्टीन क्वेश्चन यहाँ पे है जीरो टू टू पाई है कॉस पावर ऑफ फाइव एक्स डी एक्स ठीक है अब यहाँ पर एक प्रॉपर्टी यूज करना है हमको ये प्रॉपर्टी क्या होता है यहाँ लिखते हैं इफ यू हैव जीरो टू टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स वी विल गेट टू कंडीशन फर्स्ट टू इंटू जीरो टू ए एफ ऑफ डी एक्स इफ़ एफ ऑफ सब्स करेंगे टू टू ए माइनस एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स सेम फंक्शन आना चाहिए फर्स्ट का और सेकेंड हो जाएगा जीरो इफ़ ए जो प्रॉपर्टी यूज कर लेंगे तो हमारे पास प्रॉपर्टी नंबर सेवन का होता है दैट इज एफ ऑफ टू ए माइनस एक्स इक्वल टू माइनस एफ ऑफ एक्स यहाँ पर भी इवेंट फंक्शन और आर्ट फंक्शन का प्रॉपर्टी यूज करते हैं प्रॉपर्टी हमारा क्वेश्चन का सिक्स वाला प्रॉपर्टी है यहाँ पे तो ये होता है इवन फंक्शन का और ये होता है हमारे पास आर्ट फंक्शन का इवन फंक्शन में टू इंटू जीरो आर्ट फंक्शन में उसका डायरेक्ट आंसर कितना आएगा जीरो हो जाता है ठीक है स्टूडेंट्स तो ये हम प्रॉपर्टी यहाँ पे यूज करेंगे अब यूज करेंगे तो पहले चेक करेंगे सब कर लेते हैं यहाँ पे तो ये हो जाएगा एफ ऑफ एक्स इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास कॉस पावर ऑफ फाइव एक्स हो गया तो एफ ऑफ यहाँ पे सब कर लेते हैं टू पाई माइनस एक्स तो कॉस पावर ऑफ फाइव टू पाई माइनस एक्स सो इट लाइज इन फोर्थ क्वार सो इट इस पॉजिटिव सो सेम यू गॉट कॉस पावर ऑफ फाइव एक्स सो यू गॉट एफ ऑफ टू पाई माइनस एक्स क्या आ गया हमारे पास एफ ऑफ एक्स आ गया सो यू कैन से यू गॉट द कंडीशन दिस फर्स्ट कंडीशन देर फॉर यू कैन राइट दिस क्वेश्चन यू कैन राइट जीरो टू टू पाई कॉस पावर ऑफ फाइव है न इसको हम लिख सकते हैं टू इं टू जीरो टू पाई कॉस्ट पावर ऑफ फाइव एक्स इंटू डी एक्स अब इसको हमको इंटीग्रेशन करना है ठीक है अब यहाँ पे पाइवे अब यहाँ पे ए मेथड अप्लाई कर देंगे हम लोग दट इज जीरो टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स ड जीरो टू ए एफ ऑफ ए माइनस एक्स इंटू डी एक्स ठीक है स्टूडेंट ये प्रॉपर्टी यूज करके हम लोग उसका सॉल्व कर लेंगे तो यह हो गया हमारे पास इसका कंटिन्यू कर लेते हैं टू एजिटिस हो गया जीरो टू पाई एजिटिस हो गया कॉस पावर ऑफ पाई और ये हो गया हमारे पास पाई माइनस एक्स इंटू डी एक्स हो गया ठीक है तो इसको हम लोग आई सपोज कर सकते थे ये हो गया हमारे पास टू इंटू जीरो टू फाइव ये देखो पाई माइनस एक्स इट लाइज इन सेकेंड क्वार सेकेंड क्वार में ट ऑल सिल्वर टी कप साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है वन एटी माइनस यहाँ पे प्लस में टेन और कॉट प्लस होता है यहाँ साइन कोसेक पॉजिटिव यहाँ टेन कॉट यहाँ पे हमारे पास कॉस है तो क्या हो जाएगा हमारे पास माइनस हो जाएगा तो माइनस कॉस पावर ऑफ फाइव एक्स ठीक है डी एक्स तो हमारा हो गया माइनस टू इंटू जीरो टू कॉस पावर ऑफ फाइव एक्स डी एक्स इसको हम लोग किसके इक्वल आ गया एफ ऑफ इसका सपोज कर लेते हैं सो और यू कैन से वन मोर मेथड इसको आई सपोज एडिंग कर लेते हैं वन हो गया इसको टू सपोज कर लेते हैं एडिंग वन प्लस टू कर लेते हैं तो ये तो सेम क्वेश्चन तो सेम रहेगा जीरो टू टू पाई कॉस पावर ऑफ फाइव एक्स डी एक्स यहाँ लेफ्ट हैंड साइड क्या है पर टू इंटू जीरो टू फाइव कॉस पॉवर फाइव डी एक्स है और यहाँ माइनस टू इंटू जीरो टू फाइव कॉस पॉवर फाइव एक्स डी एक्स है टू टर्म्स कैंसिल हो जाएगा इसका सॉल्यूशन कितना आएगा हमारे पास से जीरो आ गया ठीक है स्टूडेंट्स ये है प्रोसेस फाइंड आउट करने का जस्ट यहाँ पे प्रॉपर्टी यूज़ कर लेंगे हमारे पास ही आ जाएगा ये फोर्टीन क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो गया ठीक है अब इसके बाद में नेक्स्ट फिफ्टीन वाला तो क्वेश्चन है कर लेते हैं फिफ्टीन क्वेश्चन यहाँ पे है देखो इंटीग्रल जीरो टू पाई बाई टू साइन एक्स है और माइनस कॉस एक्स है बाई वन प्लस साइन एक्स है कॉस एक्स डी एक्स ठीक है इसको क्या करेंगे इसको क्वेश्चन के यहाँ पे इसको ही हम सपोज आई सपोज कर लेते हैं जीरो टू पाइव बाई टू साइन एक्स माइनस कॉस एक्स बाई वन प्लस साइन एक्स इंटू कॉस एक्स यहाँ पर जो हमको यूज करना है प्रॉपर्टी या प्रॉपर्टी यूज़ करना है जीरो टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स इक्वल टू क्या होता है बच्चे लोग जीरो टू ए एफ ऑफ ए में से एक्स माइनस करना है ए माइनस एक्स इंटू डी एक्स यूज़ करेंगे ठीक है तो यूज़ कर ले रहे हैं हम लोग जीरो टू फाइव बाई टू साइन पाई बाई टू माइनस एक्स कॉस पाई बाई टू माइनस एक्स निमीटर में सेम वन प्लस साइन एक्स का जगह पे पाई बाई टू माइनस एक्स और कॉस पाई बाई टू माइनस एक्स इंटू डी एक्स या देखो साइन नाइन्टी माइनस आल्फा कॉस अल्फा हो जाएगा और कॉस नाइन्टी माइनस आल्फा साइन हो जाएगा तो टिक्नोमेंट्री आइडेंटिटी का यूज करके हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं तो आई एज इट इज जीरो टू फाइव बाई टू एज इट इज़ यह हो गया साइन जाके कॉस हो जाएगा और कॉस जाके साइन हो जाएगा फर्स्ट क्वारनेट पॉजिटिव होता है सो नो चेंजिंग सिम्बल दिस वन ऑल्सो सेम कॉस एक्स दिस वन इज द साइन एक्स डी एक्स इसको क्वेश्चन नंबर वन सपोज कर लेंगे ठीक है इसको वन इसको हम लोगों टू सपोज कर लिए क्या करेंगे यहाँ पे हम लोग एडिंग इक्वेशन इक्वेशन वन प्लस टू लेफ्ट हैंड साइड आई प्लस आई हो जाएगा ठीक है राइट हैंड साइड फर्स्ट वाला जीरो टू फाइव बाई टू साइन एक्स माइनस कॉस एक्स बाई वन प्लस साइन एक्स कॉस एक्स डी एक्स प्लस सेकेंड वाला जीरो टू फाइव बाई टू कॉस एक्स माइनस साइन एक्स वन प्लस कॉस एक्स इंटू क्या यहाँ पर साइन एक्स डी एक्स ठीक है अब देखो यहाँ ऑब्जर्व करोगे टू वाई हो गया न्यूमेटर में सेम आ जाएगा जीरो टू पाई बाई टू वन प्लस साइन एक्स कॉस एक्स डिनोमीटर में सेम आ गया न्यूमिटर क्या कर देंगे हम लोग ऐड कर देंगे वे नेवर यू हैव द डिनिटर सेम इक्वन एट द न्यूमेटर सो साइन एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स माइनस साइन एक्स ठीक है ऐड कर दिए ऐड कर दिए अब देखो प्लस माइनस कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस साइन एक्स माइनस साइन एक्स कैंसिल यूल गेट जीरो जीरो बाई समथिंग यू कैन सेट इज जीरो टू फाइव बाई टू जीरो बाई वन प्लस साइन एक्स कॉस एक्स डी एक्स क्या हो गया पूरा जीरो हो गया सो आई इक्वल टू जीरो बाई